8 eagles come on the first floor. On behalf of the management and the teachers and the students of a new model high school, I welcome the chief guest of today's function, Alhaj Maulana Janab Hisamuddin Sami Amin Sahab, Janab Jafar Pasha Sahab, Sadar Amarati Millat Islamia. Today he is a guest speaker of today's function, and inshallah within a short while we will be starting a function. The topic of the today's function is Jalsa Miraj al-Nabi and the Istiqbal Ramzan. And I also welcome Yukhar Sahab, Director Parallel High School. Let's begin our program with the Khairat Agam. I request the students of the Khairat to come on the dais. والزهاء والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خلا وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله العظيم. शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। चढ़ते दिन की कसम और रात की कसम जब वो छा जाए कि आपको आपके रब ने नहीं छोड़ा और आपसे नाराज भी नहीं हुआ, बेशक आपके लिए हराने वाला वक्त पहले वक्त से बेहतर होगा। शुक्रिया। In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, by the morning brightness and by the night when it covers with darkness, your Lord has not taken leave of you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nor has He detested you, and the hereafter is better for you than the first life. అనంత కరుణామయుడు అపార కృపాశీలుడు అయిన అల్లాహ్ పేరుతో ప్రారంభిస్తున్నాను. వెలుగు వీర జిమ్మె పగలు సాక్షిగా, ప్రశాంతంగా ఆవరించే రాత్రి సాక్షిగా, ఓ ప్రవక్త, నీ ప్రభువు నిన్ను ఏ మాత్రం విడనాడలేదు. నీ పట్ల ఆయన అసంతృప్తి చెందనులేదు. ధన్యవాదము. नाते शरीफ पेश करने से पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मैं मदीना।
हरा गुंबद जो देखोगे
सकते नहीं मुझको मदीने आपके लिए बहुत असर रहेगा। खासतौर पे आज का जो मौजू है मेरा जी, ये कौन सा महीना चल रहा है? रजब का महीना है। इसमें क्या रहता है? मेरा जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खासतौर पे, और उसके बाद का कौन सा महीना रहता है? शाबान। शाबान के बाद रमजान। तो दो उन्वानात आज खासतौर पे रखे हैं, एक मेरा जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्तकबाल माहे रमजान। और इस मौके पर मैं जनाब विखार अहमद खान साहब डायरेक्टर साहब का इस्तकबाल करता हूँ, जो अपने मसरूफियत के बावजूद भी यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, और उनके साहिबजादे जनाब अबरार साहब जो हैं, उन पर मौलाना खादर साहब है सदर बुदरी सदरपाल मदरसे के, जनाब मंजूर अहमद साहब भी मौजूद है यहाँ पर, मैं चाहता हूँ जो स्टेज पर तशरीफ लाए। आ जाइए मैं चाहता हूं कि बगैर किसी तमीज या किसी टाइम के लिहाज से मैं मौलाना को एक मिनट है सब हमारे मंसूबे थोड़ा आपको बोलने के लिए आपका तारुफ वगैरह के लिए अच्छे तरीके से मौलाना तारुफ अच्छा कराते हैं। आज हमारे दरमियान में एक ऐसी शख्सियत है हैदराबाद की, मैं समझता हूँ आप लोग अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। मौलाना आखिर साहब का नाम सुना है आप लोगों ने, जो हैदराबाद के बहुत बड़े एक आलिम शख्सियत थी, जिन्होंने कई इदारे कायम किए। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि दारुल उलूम हैदराबाद के नाम से एक इदारा है जो कई बरसों से इस शहर में काम कर रहा है। उसमें कई हज़ारों की तादाद में बच्चे पढ़ कर निकले हैं, आलिम दीन बन के निकले हैं,
खाली हैदराबाद में नहीं बल्कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इसमें कई हाफिज हैं और कई जो है आलिम दीन हैं, जो इसी सरजमीन पर आपने जो एक पौधा लगाया था आज वह एक बहुत तगावर दरख्त बन चुका है। आप उन्हीं के फर्जंद हैं और आप ही की अब ऊपर जिम्मेदारी आ गई है। मौलाना आकिल साहब, जिस मशीन को आपने छोड़ा था उस मशीन की आप जो है तकमील कर रहे हैं। मौलाना जाफर पाशा साहब, ये ऐसी शख्सियत है, ये जो हम आपको जो है तालिबे इल्मी के ज़माने से ही वाकिफ़ हैं। मैं तो आपके घर में भी जाता था जिस वक्त मौलाना आकिल साहब की जो है घर से जो महफिल शुरू हुई थी, शायद मैं समझता हूँ जो मेराज का दिन रहता था, तो उस वक्त से मैं घर को जाया करता था और वहाँ पर आप जो है दरस व तदरीस और बहुत ही अच्छे अंदाज में दीनी बातें बताते और एक दूसरे को मौजूदा हालात में जो बुराइयाँ चल रही हैं उस पर जो है तंबीह करते और उससे दूर रहने की तरकीब करते। मौलाना आकिल साहब का ये मिशन अब आपकी जिम्मेदारी है, उसको आगे बढ़ाना, उसको लेकर चलना। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबी के साथ आप उस काम को अंजाम दें। मौलाना जफर पाशा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आज वो जो है हमारे दरमियान में आए हैं और आपसे बहुत ही मौजूदा हालात में जो बुराइयाँ हो रही हैं, इंशाल्लाह जो खास तौर पर हर वक्त की बुराई अलग अलग होती है, तो उस पर आप आने वाले इस्तकबालिया रमज़ान और मेराज के पैगाम पर आप उससे जो है बातचीत करें। आप लोग इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि जाफर पाशा साहब या आपके वालिद मोहतरम आखिल साहब को हम सिर्फ सुना या दूर से देखा करते थे। मैं भी कई मरतबा मौलाना के तकारीर सुना हूँ या फिर दूर से बैठ के मुशाहिदा किया हूँ, लेकिन आज अपने आप को खुश किस्मत तसव्वुर करता हूँ कि मौलाना के साथ डायस को मैं शेयर कर रहा हूँ, मेरी खुश नसीबी है। स्टूडेंट्स, मौलाना की माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छी बातें और नसीहतें अभी सुनने वाले हैं, लेकिन एक आम तौर पे स्टूडेंट्स या एक फितरत ये होती है कि जब एक डेढ़ घंटे के बाद जब मौलाना का खिताब ख़त्म होगा, जाहिर सी बात है कि आज का दिन आपके लिए बड़ा स्पेशल डे रहेगा है और आप घर जाके ज़रूर अपने वालिदीन अपने बहन भाइयों के साथ ये बात को शेयर करेंगे कि आज स्कूल में क्या हुआ। बोले तो आज स्कूल में एकेडमिक से हटके कुछ डिफरेंट हुआ, यानी मौलाना जाफर पाशा साहब तशरीफ लाए और आपसे मुखातिब थे। तो उसमें होता यूँ कि आप जब ये बात आप शेयर करेंगे सर, आर यू गोइंग टू शेयर दिस, इंशाल्लाह जब आप बोलेंगे तो आपके एक भाई या एक बहन जो है आपसे ज़रूर पूछेंगे, ठीक है मौलाना का तो खिताब हुआ, मौलाना क्या बोले, क्या फरमाए मौलाना, आप क्या सीख के आए। तो मेरी अपनी पर्सनल स्टडी ये है कि 90% लोग यही बोलते हैं, कोई जलसे से जलसा सुन के आने के बाद में कई एक मरतबा हमारे दोस्त साहब आपसे पूछा मैं कि आप कहाँ थे, या शबे मेराज की रात या शबे बरात की रात या शबे कदर की ताक रातों में कोई जलसा हो रहा है, तो नहीं मेरा, मैं रात में जलसा सुन रहा था। अरे किसका, फलाने आलिम का मैं जलसा सुन रहा था, माशाल्लाह बहुत अच्छे मुखरिर हैं, बहुत अच्छी बातें बताई। भला एक दो बातें आप बता दें, आपने क्या सुनी, नैनी बहुत अच्छा बोले, नहीं दो बातें बताइए, नहीं बहुत अच्छा बोले। तो आप भी ऐसा नहीं सुनना जो आप भूल जाओ, आप वो बात को यानी एक होता है हियरिंग, सुनना निकाल देना, बट यू शुड बी ए लिसनर। आप वो बात को गौर से सुनना, दिलचस्पी से सुनना, जहन नशीन करना और ये बात आप जो यहाँ मौजूद नहीं है उनके साथ आप जरूर शेयर करना, इंशाल्लाह सब होगा, इंशाल्लाह। तो आर यू गोइंग टू लिसन द मौलाना इन ए वेरी अटेंटिव वे, इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ने मुहतरम आज हमारे तलबा के साथ स्टूडेंट्स के साथ आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है
कि आपके दरमियान में हूँ। आज मैं स्टेज पे भी ऐसे ऐसे हजरत तशरीफ़ फरमा है, अब नामों का लेना बहुत दुश्वार हो जाएगा। मुख्तसर अंदाज में हजरत तमाम हजरात ही हमारे लिए बायस बरकत है और इन सब की सेहत और उम्र की हम दुआ करते हैं। अज़ीज़ान मुहतरम, आज के जो अनुमानात दिए गए हैं आपके लिहाज से गुफ्तगू करता हूँ। मैं मोटे अल्फाज नहीं बोलूँगा, छोटे छोटे अल्फाज में कोशिश करूँगा कि आपको ये तीन महीने जो है रजब शाबान रमज़ान, ये तीन महीनों के बारे में और इसमें आने वाले तीन रातों के बारे में आपके सामने कुछ बातें रखूं। पहली रात आ रही है मेराज की रात। इसमें मेराज क्या है? असरा एक है, सुभान अल्लज़ी असरा, यानी दो सफ़र मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने करवाया। पहला सफ़र क्या था? पहला सफ़र ये था कि आपको मक्के मुकर्रमा से लेके बैतुल मुक़द्दस तक लेके जाया गया, बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ ले गए। ये इसको कहते हैं असरा। और दूसरा सफ़र है मेराज। तो अब इसके माने भी सुन लो आप ज़रा, माने क्या है इसके? असरा के माने हैं रात को चलना और मेराज के माने हैं सीढ़ियों पे, सीढ़ी है, सीढ़ी जिसको बोलते हैं ना अपन, स्टेप जिसको बोलते हैं अपन। तो इसको अगर हम दोनों को लेंगे तो एक है रात का चलना, एक है रात के वो हिस्से में चलना जो समझ में तो आता है बहुत कम वक्त में हुआ है, लेकिन बाद उलमा ने लिखा है, उसको हटाई दीजिए वो बीच में इधर बच्चों को जरा। सफ़र में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हमारे कौन है सरकार, हम सबको नाम है, प्रॉफिट कौन है हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट को अल्लाह तबारक बताना चाह रहा था कि देखो हम आपको मिलना चाह रहे हैं, आपसे हम बात करना चाह रहे हैं। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपने करीबी फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहा कि जाओ जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहो कि मैं मिलना चाह रहा हूँ। एक होता हम मिलने जा रहे हैं किसी से बड़े मिनिस्टर से तो उनका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता अपने को भी किसी से मिलना है तो क्या करना पड़ता, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता, लेकिन मिनिस्टर खुद बुला रहे हैं तो उनके पास से गाड़ी भी आती, कार भी आती, उनको ले जाने के लिए सवारी भी आती और उनके साथ एक बॉडीगार्ड भी आता, उनके साथ भी एक आदमी आता आपको ले जाने के लिए। इसको कहते हैं ख़ास मेहमान, बोलते हैं अरे वो भाई ये जो मेहमान हैं, ये जो साहब आए हैं, ये बहुत अहम आदमी हैं, इनको हमारे प्रिंसिपल साहब ने भेज कर बुलाया है, बोलते नहीं। वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुलाने के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम को दुनिया में अल्लाह ने भेजा, भेजकर फरमाया कि आप जाओ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पे लेकर आओ। पहले हमारी समझ में नहीं आता था भाई आसमान पे कैसा जाते हैं, लोग चांद पे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, और चांद पे जा रहे हैं, चांद के वहाँ जाके नए नए रिसर्च कर रहे हैं, तो जो अल्लाह ने जगह पैदा किया है उस मुकाम तक हमारे लोग पहुंच गए। तो जो गॉड बनाया है पूरी कायनात को, उन्हें अगर बुला रहा तो उससे ऊपर बुला सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है उसके वास। और हमारे को ये भी बता दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, ना सिर्फ मैं बुलाया बल्कि मैं रास्ते में अपनी निशानियाँ भी बताया। रास्ते में निशानियाँ क्या क्या बताएं? दुनिया को भी बताएं और फिर वो रास्ते में उनको भी बताएं जो दुनियादार लोग हैं, दुनियादार यानी गुनाहों में पड़े रहने वाले, गुनाहों में रहने वाले, अपने आप को अल्लाह से दूर रखने वाले, अल्लाह को नहीं मानने वाले, इनको भी हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया।
और उसमें सबसे बड़ी बुराई हमको जो बताई गई वो सबसे बड़ी बुराई ये है कि हम दुनिया वालों को तकलीफ देते हैं और ये तसव्वुर करते हैं गैर और ये बताए कि देखो मैं जिस कौम को पैदा कर रहा हूँ हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ये हमारे को तरबियत दिए कि किसी भी मजहब के आदमी को बुरा नहीं बोलना, किसी भी मजहब को गाली नहीं देना, किसी भी मजहब की बुराई नहीं करना, किसी भी मजहब के खुदाओं को बुरा नहीं कहना। ये हमारे बुजुर्गों ने हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको नसीहत फरमाई और भी ये बताया कि देखो वो अमल से भी दूर रहना जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दिया है और अल्लाह ने अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया हुआ। ये जैसे आज हमारे स्कूलों में क्या होता, अक्सर कोई नया बच्चा एडमिशन ले लिया, अब पुराने बच्चे मिलकर उसको क्या क्या करते तमाम मालूम है, उसको खींचने की पूरे तैयारियां करते नहीं करते। रैकिंग बोले तो आप वहाँ से बोल रहे हैं रैकिंग, माशाल्लाह अपन नहीं करना। ये रैकिंग भी बहुत बुरी आदत है मालूम, रोज़ क़यामत, क़यामत के दिन मालूम है ना आपको, जहाँ आपको सज़ा दी जाएगी जजा भी दी जाएगी, यानी इनाम भी मिलेगा और सज़ा भी मिलेगी। अच्छे इनाम करना है तो अच्छी मेहनत करके कामयाब होना पड़ता है, होता नहीं होता। अगर आप अच्छे इम्तहान में कामयाबी हासिल किए तो फिर आपको यहाँ से मेडल दिए जाते हैं और अगर आप कुछ भी नहीं करके मेडल लेने आए तो आपको खेलना पड़ता है, पढ़ते नहीं पढ़ते, दो चार खेल आप पे बरसाए जाते या आपके स्कूल से क्लास से बाहर खड़ा दिया जाता, पनिशमेंट दी जाती। तो यहाँ भी जब हमारा वो वक्त आएगा कि जब हमारे को अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा वहाँ सजा होगी, किसको होगी, रैकिंग करने वालों को, रैकिंग करने वालों को भी सजा है, यहाँ भी मिलेंगी वहाँ भी मिलेंगी। यहाँ की सजा टीचरों के बेदा पड़ेंगे है नहीं, वहाँ की सजा क्या है, वहाँ की सजा में ये बताया गया कि रोज रस्ते में ठहर के किसी भी लोगों का मजाक उड़ाने वाले, किसी को भी जा रहे अरे दीवाना जा रहा, अरे बेवकूफ़ जा रहा देखो, अरे कपड़े देखो उसके, अगर हम ऐसे अल्फाज बोले और उसको वो तकलीफ पहुंची अपनी जबान पे या बोलता नहीं, जबान जो है नहीं छोटी है, कितनी है इतनी से मगर कितों को लड़ा देती है, कितों को मारने लगा देती है, कितनों की बुराई करते रहती, कितने मजे चखते रहती हैं। टेस्टर भी यही है, जबान क्या है अपना टेस्टर भी है, करंट को लगाए तो कैसा होने प्राइस ड्रॉसिंग बताता हूँ पता नहीं, ऐसे ही जबान भी टेस्टर है, नमक लेके चलो क्या बोलता हूँ और खुद खा रहा है बोलता नहीं बोलता हूँ, शक्ल लेके आप मुँह में डालेंगे तो वो क्या बोलेगा, अरे बहुत मीठी चीज़ है भैया, अगर वही आप कड़वी चीज़ को ही खाएंगे आपका दिमाग बोलता नहीं, जबान बोलती कौन बोलती, जबान बोलती आपकी। ऐसे ही अच्छे अमल करने के वास्ते भी जबानी काम आती है, अरे आपकी तारीफ कर रहा हूँ क्या बच्चे हैं माशाल्लाह, हमारे सलील साहब के मदरसे में हमारे खैर रहमान साहब की जो बच्चों के मदरसे में गया था, यहाँ के बच्चों से और बच्चों से मैंने मुखातिब किया और सभी ने माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से सुना, बहुत अच्छी बातें सुनी, बहुत अच्छे अंदाज में सुना। अब मैं ये तारीफ कर रहा हूँ, ये जबान कभी नहीं कटेंगे, यही जबान है, अरे फुला जगह से आ रहा था भाई रस्ते में ऐसी बुरे बुरे काम देखा हमें, अभी हमारे खलील साहब ने फरमाया, हमारे मोहतरम ने भी फरमाया, ये मोबाइल क्या है मालूम, अपने को बर्बाद करने के आवाज़ से ये मिशनरी ऐजाद की गई और ये मिशनरी आपको अल्लाह से दूर कर दी, माँ बाप से दूर कर दी, स्कूल से दूर कर दी, रिश्तेदारों से दूर कर दी, सबसे दूर कर दिया। आज 10 घर में लोग हैं तो 10 के 10 एक ही वक्त में मोबाइल देखते रहते, देखते नहीं देखते, हर कोई अपने सामने मोबाइल रखा हुआ है, ये नहीं पूछ रहा भाई आज हाल हुए हो जाएंगे आगे जाके,
घर में बाबा बैठे हुए रहेंगे तो उनको फोन करके बोलेंगे हेलो डैड कैसे हैं आप, वहाँ डैड सामने से बोल रहे हो मैं थैंक यू मैं अच्छा हूँ बोलेंगे है नहीं फर्स्ट क्लास हूँ बोलेंगे। अब अपने मोबाइल को अपने को ये काम करने लगा था और याद रखो ये बनाने वाले कौन है, कौन है एक कौम है वो जो ना इधर मानती है ना उधर मानती है, वो अलग ही कौम है। उन्होंने क्या किया अपने घरों में ईजाद करने वालों ने अपने घरों में मोबाइल को आने नहीं दिया, क्या किया जो ईजाद किया उसके घर में मोबाइल नहीं है और मोबाइल किसके पास है आपकी मेरे पास। मैं उनके बारे में सुना हूँ जो मोबाइल ईजाद किए मोबाइल जो बनाए उनकी पूरी फैमिली तकरीबन 500 के करीब है, 500 के पास किसी के पास मोबाइल नहीं और सबके पास लैंडलाइन फोन है। वो लैंड अपने पुराने फोन होंगे ना यार लैंडलाइन फोन बोलते थे उसको पर वो फोना है। मैं बोला भाई इनके घर में ये फोन क्यों नहीं है, तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया वो अमेरिका से या लंदन से आए थे वो साहब जो इसके मैकेनिकल इंजीनियर थे और जो कंपनी में वो काम करते थे, तो उन्होंने कहा कि हजरत वो लोग बोलते हैं कि मोबाइल रहने से हमारी जिंदगियों में तरक्की नहीं होती, अगर हम मोबाइल को निकाल देंगे तो तरक्की होगी, इसलिए हमने मोबाइल को हाथ ही नहीं लगाया खुद बनाए अपने को अच्छा रख लिए हम सबको बर्बाद करने दे। आज हमारे पास भी हो रहा है ये चीज़ें कि हम लोग मोबाइल पर अपने वक्त को ज़ाया कर रहे हैं। याद रखो अल्लाह जो वक्त दिया है आपका टाइम कितना दिया टाइम आपको मेरे को अल्लाह ने हर एक को टाइम दे के भेजा। आप दुनिया में 10 साल रहेंगे 20 इयर्स रहेंगे 30 इयर्स रहेंगे 50 इयर्स रहेंगे 60 इयर्स रहेंगे। अब इसमें आप आते तो सोने में काट देते 30 इयर्स सोने में काट देते काट होते नहीं 60 इयर्स की उम्र में 30 ईयर्स जो है आप सोने में जाते रात तमाम सोते रहते और 30 ईयर्स जो बाकी रहते वो 30 ईयर्स में अपन जो काम करते उसको याद कर लेना तो मालूम होता उसमें से 15 यानी 30 आवर्स में से भी हम जो इस्तेमाल करें 15 आवर्स हमारा सही इस्तेमाल हुआ 15 आवर्स बेकार इस्तेमाल हुआ। इसलिए आपको जो वक्त दिया है ना वो वक्त का भी अल्लाह हिसाब लेंगे टाइम का भी हिसाब लेंगे आपसे। आपको मैं इतना टाइम दिया था अब टीचर आपका एग्जाम पेपर देते देते नहीं देते एग्जाम पेपर दे के आपको क्या करते 2 घंटे का टाइम देते 2 घंटे में आप अपना पेपर हल कर लो। अगर आप 2 घंटे में उस पेपर को हल नहीं करेंगे तो आप वो पेपर ले लेके टीचर देख के बोलेंगे भाई ये पेपर में बच्चा कुछ नहीं लिखा जा रहा था 0 नंबर डालेंगे। अगर बच्चा कुछ लिखा तो उसको 50 नंबर डालेंगे और अच्छा लिखा तो 45 डालेंगे और अच्छा लिखा तो 60 डालेंगे। तो नंबर आप कब मिलेंगे जब आप कुछ पेपर लिखे तो। ऐसे ही आप जब दुनिया से जाएंगे आप दुनिया में अच्छा काम करके जाएंगे तो दुनिया में अच्छा काम करके जाने के बाद आपको जब खबर में डालेंगे खबर में लिटा देंगे उसके बाद फिर एक वक्त आएगा कि हमारे को अल्लाह तबारक ताला फिर उठाएगा और उठा के हमारे से सवाल करेगा तुमको मैं दुनिया में इतना टाइम दिया था तुमने इतने टाइम को कहाँ लगाया इतने टाइम को कहाँ इस्तेमाल किया और वहाँ वो टाइम को अल्लाह के सामने बताना पड़ेगा। समझे आज से अपना वक्त अपन ज़ाया कर रहे हैं तो ये घंटे मिनट सेकंड का अल्लाह के पास हिसाब देना आदमी गॉड के पास अपना मैं अपना एक एक मिनट लिखे जा रहा और गॉड के पास हमारी बातें रिकॉर्ड हो रही। आप बोले मौलाना आप एक हालान में मैं साइंस का पेज पढ़ रहा था और उस साइंस के पेज में मैंने एक बात पढ़ी उसमें पढ़ा कि भाई एक वक्त आएगा कि आवाज़ें जो है सर हवा में जो रहेगी उसको वो किया जाएगा यानी उसको पकड़ा यानी उसको आवाज़ को अपने मिशनों में लिया जाएगा और मिशनों में लेकर वो आवाज़ें जो आप आज से 25 साल बाद पहले बोले थे वो आवाज़ को आपके रिकॉर्ड में वो सुनाया जाएगा। अकेले में बोले आप कोई नहीं थे अब जैसा आप यहाँ बैठे बैठे बोल रहे हैं समझो आप
मौलाना क्या क्या बोल रहे कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप बोल रहे दिल में, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। और वो रिकॉर्ड वो मैं 25 साल के बाद आपका बच्चा जब वो मिशनरी देखेंगे हमारे बाबा क्या करे बोल के हम करेंगे उन्हें, तो आपका रिकॉर्ड आएगा बाबा क्या क्या करे। ये फिल्म बनने से आजकल वो डेंजर है, देख रहे नहीं मोबाइलों में आजकल अपने बैठे बैठे ले रहे पूरा वीडियो बना ले रहे, बाद में बता रहे तो ऐसा दिख रहा है मेकअप करा भी ये, मैं ऐसा काम कर सकता हूँ, मैं ऐसा गलत काम करूँगा, बोल रहे नहीं बोल रहे। अपन बातों का किताब फाड़ते हुए फोटो लिए शायद, उसके बाद उनके बच्चों की फोटो को निकाल के बाबा को बताए, बाबा आपकी फोटो है देखो आज एक साहब भेजे बनकर बताए, बाबा बोले मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैंने स्कूल में फाड़े जो किताब है आपकी, स्कूल में दूसरे बच्चे की किताब फाड़ दिया, बुक फाड़ दिया, तो आप पुलिस चालान दूंगा, पुलिस चालान में दूंगा, आपको याद दिला दूंगा, आपकी गाड़ी आगे निकल जा रही है पीछे से फोटो ले लो है, आपकी पता ही नहीं आपको कैमरे से कब ले रहे आपको, अच्छा ले लिए तो ले लिए पीछे से क्या कर रहे हैं आपके मोबाइल पे फोटो डाल दे रहे हैं आपकी, आप वहाँ गलत रोड पे गए थे, लिहाजा 50 रुपीज़ फाइन भरो। आपको दुनिया में ये बातें बताई जा रही है, आखिरत में जो होने वाली है दुनिया में हमारे को टेस्ट किया जा रहा है, और यह बता रहा देखो ये दुनिया वाले इतना कर सकते हो तो मैं तो दुनिया बनाने वाला हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता है, अल्लाह दुनिया बनाया तो अल्लाह ये फरमा रहा है तुम दुनिया में रह के दुनिया के चीज़ों से अपने आप को ये समझ रहे कि ये टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि टेक्नोलॉजी बनाने वाले को अल्लाह बनाया, कौन बने गॉड बने है ना, आपको मेरे को कौन पैदा करे, अल्लाह पैदा कर, हमारे जहनों में रहते हमारे माँ बाप पैदा करे, माँ बाप पैदा करे हैं, लेकिन आपको माँ बाप पैदा करने के लिए भी अल्लाह ने आपको चुना, इस वजह से आप आए। बहुत से बच्चे ऐसे रहे जो दुनिया में आए फिर दुनिया में मर गए, चले गए, खप गए, ख़त्म हो गए, आपको रखा है तो ये समझो कि आपसे कुछ काम लेना चाह रहा गॉड, अच्छे काम लेना चाह रहा, आप अच्छे काम लेना चाह रहा जब ये समझ जाएंगे तो आप बुरे कामों से बच जाएंगे, समझ गए ना। तो यहाँ भी क्या हुआ, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पे बुलाया गया, मेराज कहते हैं सीढ़ी पे, वो सीढ़ी पे से अल्लाह ने बुलाया तो रास्ते में कुछ निशानियां बताएं, कुछ चीजें बताएं, क्या क्या बताएं, झूठ बोलने वाले को ये गुनाह है, बुराई करने वाले को ये गुनाह है, गीबत करने वाले को ये गुनाह है, रास्ते में बैठ के किसी को छेड़ने पर, किसी को सताने पर ये गुनाह है, ऐसे कई गुनाहों को बताया गया ताकि ये गुनाहों से आपको बचाया जा सके। और उसमें सबसे बड़ा गुनाह क्या है, किसी के पीछे बुराई करना, अपना फ्रेंड नहीं रहता, फ्रेंड के पीछे अपन अपने फ्रेंड की बुराई करते दूसरे फ्रेंड के सामने, नहीं करना चाहिए, हमारे को ये मज़हब नहीं सिखाता, कोई भी मज़हब नहीं सिखाता है हमको, नहीं हर मुसलमान नहीं हर मज़हब का आदमी एक चीज़ को कबूल नहीं करता। गॉड ने हमको ये बताया किसी के सामने बात करो, किसी के उसके गैबाने में उन्हें नहीं है उस क्लास में उसके बारे में बात करो, तो अपनी बात अपन नहीं करेंगे तो इसका भी अल्लाह अपने को फ़ायदा देगा, इसका भी अजर देगा। ऐसे ही हमको ये कहा गया गीबत मत करो, गीबत किसको बोलते हैं, पीठ पीछे बोलने वाले, ये गीबत कहलाती है, और गीबत का अज़ाब क्या है, बहुत बड़ा अज़ाब है, और ये अज़ाब ऐसा रहेगा कि इस गुनाह की वजह से उसके मुंह से बदबू आना शुरू हो जाएगा दुनिया में, आखिरत में तो बहुत बड़ी बात है, उसके चेहरे पर से रौनक चले जाएगी वो झूठ बोलने की वजह से, उसके अंदर से वो चीज़ें इल्म ख़त्म हो जाएगा, उसकी नॉलेज ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हमारे को कहा गया नॉलेज बढ़ाना है तो झूठ से बचो, नॉलेज बढ़ाना है तो किसी के पीठ पीछे किसी के गैबान में उसकी बुराई मत करो। हमारे अल्लाह भी हमको यही फरमा रहे कि हमारे को वो अमल नहीं करना चाहिए जो हमको अल्लाह से दूर करने वाले। और तीसरी बात यह है, जैसे आपने कहा कि हमारे बच्चों ने रैकिंग नहीं करना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, कैसा गुनाह है मालूम, इसको एक छोटा समझा रहा हूँ, बहुत लंबे लंबे बात नहीं कर रहा हूँ मैं,
मुख्तसर समझाते हुए जाना चाह रहा हूँ। यह ऐसा गुनाह है जैसा एक बच्चा जा रहा, आप उसको क्या करें, कपड़े फाड़ दें, उन्हें फिर आगे जाएंगे सीरा फिर फाड़ दे रहे, वो कपड़ा अच्छा रहेगा नहीं रहेगा। ये राखी करने वालों को भी अल्लाह ने ऐसी सजा दी, उसके जिस्म को नोचेंगे कांटे, उसके जिस्म से अल्लाह ने गोश्त निकाल लेंगे और वो जिस्म से गोश्त निकलेगा फिर अच्छा हो जाएगा उन्हें, फिर उसको अल्लाह ने वो सजा देंगे। तो ये सजा ऐसी सजा रहेगी कि रोजे क़ियामत तक होते रहेगी उसको, इसलिए हमारे को एक चीज़ से बचना चाहिए। दूसरा, बहुत से बातों में नमाज, नमाज में क्या है, अगर हमारे को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है तो हम नमाज पढ़ें, और नमाज में क्या है, दिल का सुकून है, हार्ट की बीटिंग, डॉक्टर बोलते हैं कि जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है उसको हार्ट अटैक बहुत कम आता है, क्यों, उन्हें पूरी एक्सरसाइज करता नमाज में, और नमाज में जो एक्सरसाइज है उससे बेहतर एक्सरसाइज कहेंगे नहीं। और हमारे को 5 वक्त की नमाजों में हमारी एक्सरसाइज ऐसी प्यारी हो जाती है कि हमारे जिस्म में अल्लाह तबारक व तआला वो ताकत वो कुव्वत दे देता है कि आप अपने नमाजों को अदा करने के बाद अपनी सेहत के साथ उम्र बढ़ सकती है। सेहत तब होती मालूम था, वर्जिश करते रहना, आप लोगों को देखने के बाद एक बात करो, मैं पढ़ने का बहुत बहुत दे ले रहा हूँ, है नहीं, बहुत पढ़ नहीं शायद आप लोग सब दुबले दुबले दिख रहे हैं, इतने इतने टाइम आता ही नहीं, तो आप लोगों ने एक्सरसाइज करना, तो वर्जिश करना, और सबसे बेहतरीन वर्जिश क्या है मालूम, फाइव टाइम प्रे, अपन प्रे करने वाले प्रे करना, अगर जो प्रे नहीं करते अपने दीगर मजहब के लोग हैं वो अपने अपने भगवान जैसा बोले उनके वैसी एक्सरसाइज करना होगा, ये दोनों भी अपने को करना तो अपने सेहत भी रहती, अपना ईमान भी रहता, अपने को कुव्वत भी मिलती। तो आज ये 2-3 बातें, पहले ये शबे मेराज, ये मेराज कहते हैं अर्श पे जाने, अर्श आसमानों में, ये आसमान 7 है, कितने हैं, 7 आसमान है, 7 आसमान बोलते नहीं हर मजहब में है, वो 7 आसमान, जमीन में भी 7 जमीन है, मालूम है ना आपको, साइंस पढ़े होंगे आप, तो आप ये साइंस के लिहाज से 7 आसमानों पे आप बोलेंगे मौलाना आप आज स्पीच में बहुत जबाता बोल रहे हैं, मैं भी आपके जैसा पढ़ावा हूँ और अभी भी पढ़ रहा हूँ, उसके साथ मैं भी एम ए करावा हूँ आपके साथ, समझे ना, और मैं इस वजह से मैं दोनों तरफ भी चलता हूँ, दीन के जलसे में भी चलता हूँ, दुनिया वालों के अंदर भी मिला तो चलता हूँ, दोनों तरफ भी मैं बराबर काम करता हूँ। आइए पर आ जाइए इधर, ये तो मेरे अजीज बच्चों मेराज हुई, मेराज में अल्लाह ने हमको बुला के क्या करें, नमाज का तोहफा दिए, 5 वक्त नमाज पढ़ने का गिफ्ट दिए, और बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अगर आपके बच्चे आपके मानने वाले अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे मैं उनको 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब दूंगा, क्या मिलेगा, 50 वक्त सवाब मिलेगा नमाज पढ़ने का। तो हम लोग आज से ये तय कर लो कि नमाज पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, अपने अपने मजहब के लिहाज से इबादत करना, जो इबादत नहीं करता नहीं वो अल्लाह से भी नहीं डरता भगवान से भी नहीं डरता, लिहाजा अल्लाह से अगर डरना है, अल्लाह का डर कब पैदा होता, जब आपको मालूम हो जाए प्रिंसिपल साहब मेरे साथ सवाल करेंगे, मैडम सवाल करेंगे, टीचर सवाल करेंगे, तो आप क्या करते हैं, बहुत कम उनसे गुफ्तगू करते, अगर आपको सवाल नहीं करेंगे मालूम होता आप क्या करते, बेकार फिरते रहते, आपके सवाल होंगे इस बात से आप क्या करते, बहुत संभल के जवाब देते। तो ये रात अल्लाह तबारक व तआला के पास से नमाज आई है, और ये नमाज की हमारे पे पाबंदी है, 5 वक्त नमाज पढ़नी, और जो जानबूझ के नमाज छोड़ दिया उसके बारे में हमारे बुजुर्गों ने कहा है वो काफिर, कुफर का फतवा है,
इस बात से नमाज का टाइम आया तो नमाज पढ़ लेना, और अगर नमाज यहाँ नहीं पढ़ सकते, स्कूल में मसरूफियत रही, स्कूल में आप लोग फायदे में रहे, तो आप क्या करना, वो नमाजों को अपने घर में जाके पढ़ लेना, पढ़ के नमाजों को मुकम्मल कर लेना। तो मेरे अजीज दोस्तों, आज आपको ये बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? क्या है, समझ में आ गई आपको? यस यस बोलो, हाँ यहाँ तो बोलो, क्या कुछ ना कुछ क्वेश्चन है आपको? इसी महीने में एक रात और एक आएगी, इसमें के बाद एक रात और एक आएगी, वो कौन सी है? शबे बरात। बरात के माने आज़ादी, छोड़ देना, खुला छोड़ देना। आपको ड्रिल पीरियड में छोड़ देते हैं, इंटरवल में छोड़ देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते बाहर, और उन लोगों को छोड़ दें जो अच्छा पढ़ने वाले हैं उनको बाहर छोड़ दें, और जो वीक बच्चे हैं उनको बोलते स्पेशल क्लास अटेंड करते नहीं करते। अगर वो उसमें भी काम नहीं हो तो उनका नाम क्या करते, स्कूल से निकाल देते। बारात के दिन भी अल्लाह तबारक ताला वो रात ऐसी रात रखा है कि उस दिन अगर अपने बंदे नेक काम करते हैं तो उसका उनको अजर देता है, उसका सवाब देता है, और अगर कोई गुनाहगार है और वो गुनाहों की वजह से गुनाहों में मुब्तला है उसको स्पेशल कहा जाता है, तुम प्रे करो, उस दिन कुरान पढ़ो, उस दिन तौबा करो, उस दिन अल्लाह को याद करो। जब आप ये तमाम चीज़ें करते हैं तो आपको उस दिन का भी सवाब मिलता है। समझा नहीं समझे? शबे बरात के मान क्या है? बरात यानी आज़ादी की रात, यानी अल्लाह मियाँ उस दिन गुनाहगारों को माफ़ करते हैं, अल्लाह मियाँ तौबा करने वालों को माफ़ करते हैं, और अपने कोशिश ये करना कि वो रात आई तो अल्लाह की बात पर गुजारना। ये रातों को हम लोग क्या करते हैं, खाने पीने की रात समझते हैं, रात तमाम चांदनी रात के पास हर बंडी पे जाके खाते रहते, ये खा रहे वो खा रहे, क्या बोल दो, जागने की रात है। जागने की रात नहीं है, वो इबादत की रात है, और इबादत की रात में जिस टाइम में आपको जो क्लियर करता है, गेम का पीरियड रहा तो आप गेम करने छोड़ते, आपको आप गेम करना छोड़ देंगे, बाहर गेम जारी करें तो प्रिंसिपल क्या करते आपको सजा दे। ऐसे ही आपको अल्लाह तबारक ताला उस दिन तौबा करने के लिए एक रात दिया, अगर वो तौबा कर ले तो अल्लाह उसको जन्नत दे देता है, उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है, और अगर वो गुनाहगार तौबा कर लेता है, अल्लाह के सामने रोता है, अल्लाह उसके गुनाहों को मेट भी देता है। ऐसे ही एक रात ये शबे बरात, उसके बाद आता है इस्तक़बाल रमज़ान। रमज़ान के माने क्या है? जलना, जलना, उस दिन वो महीने में गुनाह जल जाते हैं, समझे ना? इस बात से रमज़ान कहा जाता है क्योंकि रोजे रहने की वजह से आदमी के गुनाह अल्लाह जला देता है, और गुनाह जलने की वजह से आप नेक बन जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं। अब एक साहब थे हज़रत जाबेरी अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के थे। एक वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके घर को आए, खाना खाए के आपने दस्तर से हाथ पोंछ लिया। हज़रत जाबेर फरमाते हैं कि मेरे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबी ये थी कि आप जिसको हाथ लगाते थे उसको आग भी नहीं जलाते। क्या थी? जिसको हाथ लगाते थे उसको आग भी नहीं जलाते थे। तो आपके बारे में आता है कि आपका वो दस्तर आपका हाथ लगने की वजह से ऐसा हो गया था कि जब भी वो मैला हो जाता तो हजरत जाबिर धोते नहीं थे उसको, वॉशिंग मशीन में नहीं डालते थे उसको, बल्कि क्या करते थे, हजरत जाबिर उसको क्या करते थे, आग में डाल देते थे। आग में डाले तो क्या होता था, उसका मैल जल जाता था, फिर दस्तर बाहर निकाल लेते। तो फरमाते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी पूरी कभी मैं उसको आग में डाला यानी पानी में नहीं डाला,
जब खराब होता दस्तर में आग में डालता था, आग उसको जलाती नहीं थी और कपड़े को मैं बाहर निकाल लेता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के पैदा करने वालों के महबूब हैं, इसलिए आपकी उम्मत को भी ऐसे रातें भी दी गई और ऐसे दिन भी दिए गए जो महबूब उम्मत को दिए जाते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह चाहता था, इस वास्ते आपको भी हमारे पूरे मानने वालों को अल्लाह चाह रहा है। तो आपका और मेरा काम यह है, नहीं मैं हूँ आप लोगों को भी देख रहा हूँ, आधा घंटा हो जाएगा जबकि मैं समझाने भी शुरुआत क्योंकि मैं दूसरी जगह पूरी एक तकरीर कर देता था इतनी देर में, मगर आपके लिहाज से तकरीर कर रहा हूँ तो ज़रा वाज़े तौर पे बोलना पड़ा है मुझे। तो तीसरी बात यह है कि रमज़ान में क्या होते हैं, आप रोज़े रहते, रोज़ों से दो फायदे हैं। एक डॉक्टरी लिहाज से फ़ायदा ये है कि आप भूखे रहने से आपका मैदा जो रहता है अंदर, जहाँ अपने खाने के बाद जो जहाँ जाके पूरे चीज़ें जमा होती, वो आपका मैदा अच्छा हो जाता, वो उसके अंदर बीमारियाँ जो है दूर हो जाती। दूसरा फायदा ये है कि अल्लाह तबारक ताला आपके भूखे रहने की वजह से ये इसका सवाब आखिरत में अल्लाह अता फरमाए, और फरमाता क्या है, जो मेरे लिए रोज़ा रहेंगे उसका अजर रोज़े क़यामत मैं दूंगा। एक होता आम आदमी गिफ्ट करना, एक होता बाबा जान को गिफ्ट कर रहे हैं, तो बाबा जान अपने बेटे के लिहाज से गिफ्ट करेंगे नहीं करेंगे, ऐसे ही अल्लाह के भी हम बंदे हैं, अल्लाह के रसूल के बंदे हैं, तो हमारे बंदे होने की वजह से अल्लाह के अल्लाह के तरफ से हमको जो इनाम मिलेगा मेरे सरकार की वजह से वो बहुत कीमती चीज़ मिलेगी। तो हमको रमज़ान में रोज़े रहना है, मगर रोज़े सिर्फ रहने से सवाब नहीं मिलेगा, रोज़े में 5 टाइम नमाज भी अदा करना, रोज़े में झूठ नहीं बोलना, झूठ बोले तो भी रोज़ा ख़राब हो जाता, गीबत करे तो भी ख़राब हो जाता, टीवी देखे तो भी ख़राब हो जाता, मोबाइल देखे तो भी ख़राब हो जाता, समझ गया ना। हम लोग क्या करते, अरे मौलाना फोन देख रहे हैं, साहब मेरे को आके बोले आपके जैसे बच्चों के अब्बा थे, क्या थे पप्पा को पापा को डैडी बोलते ना आप लोग, आपके डैडी आए थे आके बोले मौलाना आप मानो मेरा बच्चा अंधेरे कमरे में सोता, बोले मौलाना अच्छा सुजन उजाले में सोते हो समझा, मुझे नहीं मेरा बच्चा अंधेरे में सोता मौलाना अच्छा, मौलाना बहुत अच्छी बात है, बोले मौलाना उन्हें सिर से पैर तक ओढ़ लेता, बोले यानी ब्लैंकेट ओढ़ लेता पूरी, बोले सिर से लेके पैर तक, मौलाना बहुत अच्छी बात है ये, मैंने और बोले मगर मौलाना एक बात देखा मैं, रात के 2 बजे उसके सीने के पास से रोशनी चमकते रहती है, बोला कौन सी रोशनी चमकती रे बाबा, बोले क्या बच्चा हमारी नेकी करता कि सीने पर से रोशनी आती, बोले अला अरे सीने पे से रोशनी दिया रही रे मोबाइल की रोशनी है, जाके ब्लैंकेट उठा के देख, बोला ब्लैंकेट उठा के देख क्या, बोले मौलाना आप सही बोले थे रातों में क्या क्या देख रहा मेरा बेटा। तो हमारे पास क्या है, बाबा जान पूछो यार के बेटा पढ़ा समझ, बाबा यार मेरे को कान से लिखना है, आप 1 मिनट सुन दीजिए, जो 1 मिनट में ऐसे कमाए देख लेते आप लोग जो हमने देखते थे, फिर साफ करके लाके वहाँ को फोन देते रहे, डैडी सॉरी थैंक यू डैडी हाँ भाई डैडी डैडी को खुश क्या पढ़ के आया मेरा बेटा, देखो आज ही इंग्लिश बोलने लग गया हूँ, नहीं अंदर जाके बेटा क्या कमाना करके आप भाव भी नहीं मान लो, अपन लोग आप समझो हंसना करा, हंसना बोल के बोल रहा मैं आप लोग, आप जरा हंसते करते सुनना बोल के बोल रहा हूँ, कितने लोग हैं जो डैडी को झूठ नहीं बोलते, हाथ उठाओ कोई नहीं उठा रहा, दो जने हैं डैडी को झूठ नहीं बोलने वाले उठा लो, कभी नहीं बोलते कभी कभी बोल लेते हैं, आप रख दो कभी कभी बोलने वाले हाथ उठाओ, इसमें वो उठेंगे हाथ, हाँ मानिए हुआ कि झूठ बोलते अपन, अब झूठ बोलने वाले अपन को ये समझ लो कि हम अगर अब्बा को झूठ बोले तो हमारे को हमारे अब्बा भरोसा कितना करते नहीं हुए, अगर हम उनको झूठ बोल रहे हैं तो हमारे डैडी आइंदा हम पर भरोसा करेंगे करेंगे नहीं करेंगे ना, आइंदा से हम झूठे बोलेंगे, बोलो यस
आज से हम बाबा जान कुछ झूठ नहीं बोलेंगे, दीदी कुछ झूठ नहीं बोलेंगे, अम्मी कुछ झूठ नहीं बोलेंगे, टीचर को भी झूठ नहीं बोलना। याद रखो हमारे बाप के बराबर होती टीचर, हमारी अम्मी के बराबर टीचर का मुकाम है। टीचर भी हमारी अम्मा है, टीचर भी हमारी डैडी है। तो अगर जेंट है तो डैडी है, अगर लेडीज है तो अब मदर है आपकी, तो मदर से जैसा झूठ नहीं बोलते टीचर को भी झूठ नहीं बोलते। और टीचर हमारी हमको क्या देती, हमारी अम्मा हमको खाना पका के देती, देते नहीं देते। आजकल तो अपना अम्मा के हाथ का कम खा रहे, वो स्विगी का ज़्यादा खा रहे। स्विगी क्या है, स्विगी है चाय की ना, जोमैटो का, चलो जोमैटो चलो क्या है कि वो स्विगी वो जो क्या है कि आप लोग मालूम है स्विगी स्विगी यहाँ मालूम होता तो चटोरे हैं खूब खाते शायद में बाहर की। याद रखो एक अम्मा जान उठते रहते, अरे मेरे बेटों को क्या बोलूँ मैं कितना भी पका लो कितना भी अच्छा पका लो ये बोलते हैं नहीं, खुला होटल का अच्छा है। आजकल एक नई होटल निकल गई, क्या होटल निकल गई, बॉर्ची। हर जगह बॉर्ची बॉर्ची, कितने बॉर्चियाँ पैदा हो गए दुनिया में, है हर होटल के पीछे लिखा हुआ है बॉर्ची। अरे बॉर्ची रहा तो तू पका सकेंगा बाबा, ने तो तू पकाता क्या बाबा, है ना। ऐसी दुबे होटल खुल गई। अब देखो आजकल नया ट्रेंड निकला, क्या निकला नया ट्रेंड ये निकला कि क्या बोलते हो उसको बंदी अपने होले लोग बंदी खाने चले। याद रखो बाजार में खाना हल्केपन की निशानी है। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाजार में खाना हल्केपन की निशानी है। बाजार का खाना भी हल्केपन की निशानी है। एहतियात करना अपने घर में जो पका वो खाना। तो ये रमजान का इस्तेमाल कैसा करेंगे आप, इस पर एक दो बातें बोलने की बात ख़त्म कर देता हूँ मैं। उसका रमजान का इस्तेमाल करें तो ये नहीं करना झंडियाँ लगा दे रहे घर में चुनादा ला ले रहे, ये इस्तेमाल नहीं है। इस्तेमाल ये है कि आने से पहले ही हम झूठ बोलना छोड़ दें, आने से पहले ही बुराई करना छोड़ दें, आने से पहले ही हमारे से वो अमल छोड़ दें जो अल्लाह को नापसंद है, और वो अमल शुरू कर दें जो अल्लाह को पसंद है। अल्लाह को क्या पसंद है, फाइव टाइम प्रे करना, बड़ों की बात सुनना, और अल्लाह की किताब है होली कुरान, ये गॉड की किताब है। और उसको लाने वाले कौन है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो किताब को प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतारा गया और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कुरान को हमारे पास भेजा। तो ये किताब जो है हमारे पास आई है, इस किताब को रोज पढ़ना, नहीं तो तरावी में सुन के सही इसको मुकम्मल पूरी सुनना, और मुकम्मल सुनने के अलावा मुकम्मल पढ़ने की कोशिश करना। मैं हमारे स्कूल के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे कुछ बोलने का यह मौका दिया है। और हमारे खलील साहब जो है हमारे बहुत करीब हैं, इनके बचपन से देखता हूँ मैं ज़रा बड़ा हूँ इनसे, अब कितना बड़ा हूँ नहीं मालूम। हम लोग इंदिरा गांधी के पास गए थे ज़माने में, जेल सिंह साहब सदर थे, क्या थे जेल सिंह साहब सदर में, फिर क्या बोलते उसको सदर जमहूरिया थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, और इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। तो एक वक्त जाके बोले भाई अरे हमारे पास ऐसा ऐसा हो रहा जी, तो बोले तुम लोगों की टायर तुम लोग टोटी कितने मालूम, बोले 18 है, कितने बोले 18 करोड़ है तुम लोग। अच्छा उसके बाद हम जेल सिंह साहब के पास है बात करने, प्रेसिडेंट साहब के पास, तुम लोगों ने 22 करोड़ है तुम लोगों में। तो उनके हमारे डेडी जिंदा थे उस वक्त, दोनों बोले अच्छा वो औरत थी तो कम बताई, मर्द है तो ज़्यादा बताया। उसके बाद तुम्हारे डेडी बोले हम यहाँ हम लोग लबर बंड है क्या, मैडम खींचे तो थोड़ा हुआ था तुम खींचे तो गड़ा हो गया। हाँ तो आप लोग भी जैसा हमारे खलील साहब के बारे में हमारी उम्र में क्या फ़र्क है नहीं मालूम, बाहर आ गया बोलते नहीं उम्र, आजकल उम्र बोले तो नजर लग रही थी। औरता हो एज नहीं बोलते, बोलते औरता कितने, अरे हम पैदा हुए वक्त ऐसा हुआ, अरे वो कब हुआ साहब मेरे से आके बोले मौलाना मैं जिस वक्त पैदा हुआ नहीं उस वक्त
रमजान का चांद निकला था हमारा, अच्छा हर साल निकलता है कम है तो कौन सा चांद बता, पहले ये कौन से सन का चांद निकाला वो बता। तो बाद होकर चांद जो निकलता है उसको वर्णन वो बस निकली थी नहीं बस ईजाद हुई थी उस वक्त पैदा हुआ बस में हुआ क्या पूछा हमने है। तो हम लोगों को भी आपको जरा फंसाने के वास्ते एक दो जुमले बोल दिया हमने, और हमारे प्रिंसिपल साहब हमारे मौजूद हैं यहाँ, हमारे अलीम साहब यहाँ मौजूद हैं, हमारे मोहतरम सरकार अहमद साहब भी यहाँ मौजूद हैं, और हमारे बलूम के माशाल्लाह ये हजरत को जब से देख रहा हूँ शिक्षण इतना फर्क हुआ कि वाइट दाढ़ी जाके ब्लैक जाके डेड हो गई अगर अकीतन में रेडिंग करा मैं बोला भाई वाइट होने दो वाइट ही रहने दो। ये भी क्या है अलार्म है, ये क्या है, ये हर चीज़ का अलार्म होता नहीं होता, ये भी अलार्म है। ब्लैक रहते एकदम बाल बड़े बड़े होते जाते वहाँ, ये अल्लाह ने हमें नजर को तुम्हारा भी बचपन है, उसके बाद बालना बढ़ते नहीं कम होते जाते, वो मुझे मान लेने कि तुम्हारा पढ़ने का सिलसिला ख़त्म हो गया, उसके बाद उसमें वाइटिंग आना शुरू होती। अब यहाँ से ये बता रहे हैं तुम्हारे तैयारी कर लो तुम्हारे जाने का टाइम शुरू हो गया, और जितने जितने वाइट हो जाते उतने उतने खरीब होते जाते हम किसके किसके खरीब होते। चलिए जो भी आप समझ गए अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सब को अल्लाह अपने फल से अपने कर्म से अपनी महबूब तरीन उम्मतों में शामिल फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन वफिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार। ऐ अल्लाह हमारे आज से में बहुत से बच्चे बच्चियाँ और बहुत से बहनें हमारी शरीक हुए, ऐ अल्लाह हम सब को अपने फरमाबरदारों में ताकदारों में शामिल फरमा। ऐ अल्लाह हर एक को ईमान की दौलत अता फरमा, ऐ अल्लाह हर एक को ईमान के ऊपर चलने वाला बना दे, ऐ अल्लाह अपनी महबूब तरीन उम्मतों में बनाना शुमार फरमा। ऐ अल्लाह अपने कर्म से हमारे गुनाहों को खताओं को लग्जिशों को माफ़ फरमा दे, ऐ अल्लाह हमें अपने महबूब तरीन बंदों में शामिल फरमा लें। ऐ अल्लाह इस स्कूल को और हमारे खलील साहब जो भी इदारे चला रहे हैं ऐ अल्लाह उसमें खूब तरक्की अता फरमा। ऐ अल्लाह अपने वालिद के नाम पर यह दवाखाना भी चलाते हैं, आपके वालिद अपने वालिद के नाम पर यह मदरसे भी चलाते हैं जब कुरान पाक का हिफ्ज़ किया जाता है। ऐ अल्लाह ऐसे ही ये अंग्रेज़ी मदरसा भी हमारे मौलाना इकबाल रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कायम किया था, ऐ अल्लाह इस मदरसे को भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा, और ऐ अल्लाह ऐसे कई शाखें कई ब्रांचें इनके ऐसे खुल दे कि हर जगह ये लोगों को इल्म की दौलत से माला माल करते रहें। ऐ अल्लाह इनके साहिबजादों को साहिबजादियों को घर वालों को सबको अपनी हिफाजत में, और ऐ अल्लाह जितने हमारे यहाँ टीचर्स हैं इन सबको भी ऐ अल्लाह अपने फजल से अपने कर्म से ऐ अल्लाह इनके लिए भी बेहतरीन रोज़ का ज़रिया आपने जो बनाया है इनके सीने को खोल दीजिए, और इनको अपने बच्चों की तरबियत करने वाला बना दीजिए। ऐ अल्लाह अपने फ़र्ज़ से अपने कर्म से इस गुनाहगार को भी इन सब की वजह से माफ़ फरमा दीजिए और उसको बख्श दीजिए। सुभाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाह। जाफर बदर साहब का शुक्रगुजार अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए और बच्चों को मुखातिब की एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन साहब जाए। शेख उसामुद्दीन साहब डायरेक्टर 99 टीवी और जनाब अहमद इदरी साहब डायरेक्टर PMBG हाई स्कूल यहाँ मौजूद, रजान साहब से 2 मिनट खिताब करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खलील रहमान साहब, मंसूर साहब, शोएब साहब, इदरी साहब और रुखार साहब, मैं
जो छोटे मासूम बच्चे, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करूँगा कि यहाँ पर मेराज के बारे में एक मीटिंग कंडक्ट की हुई है, यहाँ पर एक जलसा कंडक्ट किया गया है। तो शब मेराज तो आप लोगों को मालूम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस ज़मीन से लेकर अल्लाह सुब्हान व तआला अर्श पर बुलाया गया है और वहाँ पर अल्लाह ताला ने हम लोगों को एक बेहतरीन तोहफा दिया, जो वो तोहफा है 5 टाइम की नमाज, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाज की जगह पे बार बार अल्लाह ताला से मिलना, वहाँ पर नमाजें कम करना और लास्ट में हमारे को 5 नमाजें मिलना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा है। अगर हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से जोड़ा गया है और अल्लाह से हमको ये 5 टाइम की नमाजें मिली गई, तो हमारा भी फर्ज आयन है अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हमको 5 टाइम नमाज के लिए खड़े रहना है, ये समझ के करना है कि हम अल्लाह को देख रहे हैं। अगर हमारे अंदर अल्लाह को देखने की कैपेसिटी नहीं है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे को देख रहा है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जब हमारे को देख रहा है तो हम उसी तरीके से नमाज पढ़ना चाहिए। और ये कितनी बड़ी मेराज है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन गिफ्ट दिया गया है और बेहतरीन हमारे को अल्लाह ताला ने ये नेमत दी कि हम अल्लाह के सामने सुरखुरू हो, अल्लाह के सामने सजदेरेज हो, अल्लाह के सामने रुकू और सुजू में सजदेरेज हो और अल्लाह ताला से खुद गिड़गिड़ा के नमाज में और सजदे में अत्तहियात के बाद के दुआएं अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमारे को दिया, ताकि हम अल्लाह ताला से बहुत कुछ मांगे और बहुत कुछ मसरत हासिल करें और दुनिया में और आखिरत में हम सुरखुरू हो सकते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूँ, नमाज की पाबंदी करिए, मेरा जैसा गिफ्ट है वो गिफ्ट जैसी नेमत से हम लोग महरूम नहीं रहना चाहिए, 5 टाइम अल्लाह के राह में सजदे होना चाहिए। शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह का। रंग बदला जमाने
Try to motivate the students so that they can further work on these skills. Jazakallah khair, assalamu alaikum.